मजहब इसका नाम नहीं है कि जो इंसान के साथ जानवर के जैसा मामला, मजहब इसका नाम है कि जानवर के साथ भी रहम का मामला करे। अगर कुत्ता भी मर रहा है प्यास की वजह से, उसके मुंह के अंदर भी पानी डाल जाए, मजहब इसका नाम है। मतलब ये कैसे कह सकता है कि मजहब की बुनियाद के ऊपर दूसरे के ऊपर जुल्म किया जाए? मैं ये कहता हूं कि प्यार और मोहब्बत का मामला करना चाहिए। मेरा अगर ये जिस आदमी से भी, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है, अगर वो अपने खेत के अंदर है तब प्यार और मोहब्बत का मामला करे, गांव के अंदर है तब प्यार और मोहब्बत का मामला करे, शहर के अंदर है तब प्यार और मोहब्बत का मामला करे, अगर वो सफर के अंदर हवाई जहाज में बैठा है, बस में बैठा है, रेल में बैठा है, अपने पड़ोसी के साथ जो उसके बराबर में बैठा हुआ है, प्यार और मोहब्बत इज्जत और आबरू का मामला करे। यही वो चीज है जिसकी बुनियाद पर हिंदू और मुसलमान अपनी पुरानी तारीख को जिंदा करके परवान चढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो न मुल्क आबाद रहेगा, न वो देहातों के अंदर और शहरों के अंदर अमन अमान रहेगा। मेरा ये पैगाम है सारी दुनिया के लिए, और मैं समझता हूँ ये बेहतरीन पैगाम है। मेरा मजहबी पैगाम, सियासी आदमी में नहीं, मेरे मजहब का ये पैगाम है कि कत नजर इसके कि उसका मजहब कैसा है, आदमी आदमी है, इंसान इंसान है, उसके साथ प्यार और मोहब्बत का मामला होना चाहिए। जो नहीं करता मजहबी एतबार से, वो गलत रास्ते के ऊपर चल रहा है। कल मौत के बाद अल्लाह के यहाँ उसे जवाब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, या मान लीजिए कल को वो हुकूमत किसी तीसरी हुकूमत की बन जाती है, अपनी जनता को इसलिए कि ये हिंदुस्तानी हैं, इससे कोई बहस नहीं कि ये जैनी है या ईसाई है या सिख है या कबाइली है, आदमी आदमी है, आदम की औलाद है, मनु की औलाद है, इसलिए उसके साथ मामला बेहतरीन होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा होना चाहिए, जो उनका हक है दस्तूरी एतबार से उनको वो हक मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, चाहे मजहबी गवर्नमेंट, अगर इस रुख के ऊपर मजबूती से चलेगी तो 2023 हो या 2033 हो 2043 हो 2053 हो, इससे कोई बहस नहीं, मुल्क के अंदर अमन अमान भी रहेगा और चलाने वाला लोगों के दिल की मोहब्बत बनकर के दुनिया के अंदर रहेगा। और अगर ये बात नहीं होगी तो आज तो सूरत हाल ये है कि अगर बाप से भी औलाद को शिकायत होती है तो बाप की भी नहीं मानते हैं गवर्नमेंट,